Yes. में आए और विधानसभा सत्र था, बजट सत्र था, और उस सत्र के दौरान मीडिया से बात करें और जो समस्याएं हमारे बाड़मेर की राजस्थान की उसके बारे में चर्चा करें, तो पहले तो रिफाइनरी के बारे में कहना चाहूँगा कि परसों में और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में रिफाइनरी का कार्य शुरू होगा, जल्दी कार्य पूर्ण करे। सरकार से यही हर कंटिन्यू हर बजट में मैं यही बात कर रहा था, लास्ट में भी मैंने चार बार मुद्दा उठाया था, और सरकार को इस बात का भी धन्यवाद दूँ कि कम से कम चार साल बाद भी इन्होंने इस रिफाइनरी की। एक तो रिफाइनरी के लिए कहना चाहता हूँ कि रिफाइनरी का जो MOU हुआ और चार साल बाद भी हुआ तो उसका मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम अब भी इन्होंने शुरुआत की। और MOU के बारे में मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूँ कि क्यों कितना क्या फ़ायदा है या नुकसान हुआ, ये तो यहाँ की जनता जानती है कि भाई चार साल अगर पहले लग जाती तो आज कितना फ़ायदा होता, कितना राजस्व मिलता, कितनी रॉयल्टी मिलती, कितनों को रोज़गार मिलता। दूसरी रही बात पानी की योजनाओं की बात, उसमें मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि उसमें जितनी योजनाएँ हमारे टाइम की सेंक्शन है उसमें आप बजट दें और उसका काम शीघ्र शुरू कराओ। तीसरी जो शराबबंदी की बात कर रहा हूँ, शराबबंदी का जगह जगह विरोध हो रहा है, यहाँ भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो शराब की दुकानें जो शहर के बीचों बीच खुल रही है, आबादी में खुल रही है, वो सरकार कम से कम एक नीति बनावे आबादी में नहीं खुले, या तो शहर के बाहर या कोई ऐसी जगह चिन्हित करे जहाँ जनता का विरोध नहीं हो। आज जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों पर मुकदमे डाले जा रहे हैं और एक एक 40-40, 50-50 लोगों पर मुकदमे करना, जिन हित के मुद्दे अब शहर के बीच में खुलेंगे लोग सड़कों पे तो आएंगे, और उसमें भी जॉन बुझ कर उकसा कर ये इनकी सरकार के नुमाइंदे उसमें शामिल हो रहे हैं और फिर मुकदमे उन पर और कराए जा रहे हैं। ये तो मैं चाहूँगा कि ये बंद हो, सरकार एक लोकेशन तय करे, चाहे एक जगह सब जगह दे या कहीं भी है जहाँ इनका विरोध नहीं हो और जनता को असुविधा नहीं हो। चौथा अकाल है, अकाल के अंदर भी कहना चाहूँगा कि जल्दी हमारे यहाँ 2400 गांव अकाल है, पानी की व्यवस्था हो, चारे की व्यवस्था हो, पशु शिविर के लिए किस तरह से पशु धन को बचाया जा सके और पानी की व्यवस्था आम आदमी को कैसे हो इसके लिए कहना चाहूँगा। ये स्वच्छता के बारे में भी कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि स्वच्छ भारत हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु इसके लिए हमें ठोस नीति बनानी पड़ेगी। आज स्वच्छ भारत में आधे से भी ज़्यादा लोग उसमें वंचित हैं, उनको जोड़ा जाए और उनका पेमेंट भी नहीं हो रहा है। आज अपन BPL के गेहूँ की बात करें, BPL आवास की बात करें, उसके अंदर भी जितने भी है आज गेहूँ उनको समय पर नहीं मिल रहा है, सबको पता है। पेंशनें हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, जो पहले हमारी सेंशन थी वो पूरी नहीं मिल रही है। तो ये कई जो स्कीमें आम आदमी को आम गरीब को जो योजना है उनका लाभ कैसे मिले, इसके लिए मैं हमने इस बजट सत्र में भी यही बात की, हर मुद्दे पर हमने चर्चा की। आज एक मुद्दा था बाड़मेर में महिला दिवस का, उस महिला दिवस में चार महिला जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता थी उन्होंने कहा कि भाई ये रात का हमने बासी खाना हमको दिया, तो ये उन्होंने चारों ने बात उठाई तो चारों को नौकरी से निकाल दिया। तो ये जिस तरह से दमनकारी की नीति हो रही है तो ये सरकार को सोचना चाहिए। आज अभी और बात हो रही थी एक 8 ANM या 9 ANM उस दिन वो पोलियो अभियान के अंदर वो गई थी गांव में दवा पिला रही थी, उनके यहाँ पता नहीं उन आठों को यहाँ APO करके जयपुर भेज दिया और गांव वाले कह रहे हैं कि गाँव में वो दवा पिला रही थी, तो वास्तव में उनकी जाँच हो और किस तरह से उनको अगर सही है तो उनकी जांच कर वापस लगाना चाहिए। आज दवाइयों की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में हाल क्या है, आज बात फ्री दवाई की बात कर रहे हैं, दवाई आधी भी नहीं है, हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं है इनकी। आज जिस तरह से बीमारियां फैल रही है इस गर्मी भीषण में आने वाले दिनों में भी बीमारियाँ फैलेगी, कैसे व्यवस्था हो, डायलिसिस के लिए हमेशा बात चल रही है, अब डायलिसिस आया हुआ और लगाने के लिए भी इतना समय लग रहा है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि ये जो
जिन हित के मुद्दे हैं इन पर ध्यान दें और जनता को कैसे राहत पहुंचा सके इस ओर ध्यान दें। देखो, हमने तो विधानसभा में ही बात की, उससे पहले धरने प्रदर्शन भी दिए, ये भी यही हम कर रहे हैं। जनता को इस भयंकर अकाल में, और जितना 2400 गांव अकाल है, यहाँ पानी की भयंकर समस्या और बॉर्डर पे तो हालत और ज़्यादा ख़राब है, तो इसके लिए बिल्कुल हम सरकार से भी बात करेंगे। अभी 24 तारीख को और सत्र विधानसभा उसमें भी बात रहेंगे, और नहीं तो हम धरने प्रदर्शन करेंगे, लोगों जनता को और सरकार को बाध्य करेंगे कि ये पानी की समस्या का समाधान हो, पशुओं के चारे का समाधान हो, पशुधन बचे, इसके लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे।